हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपके दोस्त जीत, और आज सीखेंगे एक मोनोकलर रंगोली में शिवाजी महाराज कैसे बनाते हैं। ये वही फोटो है, वही ड्रॉ है जो जस्ट पिछले वीडियो में हमने बनाए थे, सिर्फ उसको कलर चेंज करेंगे हम। तो ये लेक कलर है, वायलेट कलर का। तो इसको शेड बनाएंगे। शेड बनाने के लिए तीन भाग किया, पर एक भाग ज़्यादा लिए, एक भाग बीच में और एक भाग कम। तो वो कम भाग में वाइट रंगोली मिलाते जाना है, और जितना शेड बनेगा उनमें से आधा आगे लेना है, और वो उसमें वाइट ऐड करते करते जाना है। तो क्या होगा, वो कलर लाइट होते जाएगा। अभी डार्क करने के लिए इसमें थोड़ा सा ब्लैक मिलाना है, जितना कलर होगा उनमें से आधा लेके फिर से उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा ब्लैक मिलाना है। और ऐसा तीन शेड बनाएंगे डार्क में। तो ये एक डार्क शेड बना लिया हमने वायलेट कलर का, और ये लेक कलर है जो पिछले वीडियो में हमने सीखे थे कि लेक कलर कैसा होता है, कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों की शेड कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मोनो कलर का कलर भरेंगे, मतलब एक ही कलर का शेड कैसे बनाते हैं। और ये जो ड्रॉ किए थे पिछले वीडियो में, जो ड्रॉ किए थे बस उसके ऊपर से जो रंगोली था उसको हटा दिए, और वही स्केच है, सिर्फ हम यहाँ पर कलर चेंज कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड में पूरा ब्लैक भर दिए, और जो पताका है वहाँ पर जो ऑरेंज कलर है ऑरेंज कलर भर दिए। अब इनके फेटे में कलर भरना शुरू करते हैं। तो पहले लाइट कलर लेना है, लाइट कलर के बाद थोड़ा सा उससे डार्क, और फिर उससे डार्क, ऐसे तीन शेड में ये भरेंगे जो फेटा का जो फोल्ड है। और इस प्रकार कुछ लाइनिंग से डिजाइन देंगे फेटा में सभी। और जैसे आपने मनी दिखाना है, तो सबसे पहले एक डार्क कलर भर दिए थे, और उसके ऊपर फिर ये छोटा छोटा जो मनी दिखाया ऊपर। फेस में कलर करने के पहले जो आईज है, आईब्रो है, उनको ब्लैक कर लेंगे, तक अपने को समझ में आएगा कि यहाँ पर आईज है करके। एक मोटा आउटलाइन अपने को समझ में आएगा इतना जगह में वर्क करना है। तो ये दाढ़ी मुझ में एकदम डायरेक्ट ब्लैक नहीं भरना है, जैसे आउटलाइन हमने ब्लैक किए, और जो हमने ये शेड बनाए प्लेट में, वो शेड में जो डार्क कलर है वो यूज़ करना है। क्योंकि कोई भी मोनो कलर में हम ब्लैक मिला के डार्क करते हैं और वाइट मिला के लाइट करते हैं, तो एकदम प्योर ब्लैक सिर्फ आँखों में ही यूज़ होता है, बाकी जगह जो शेड बना है डार्क वही यूज़ करना है। तो दाढ़ी मूछ हेयर बना ली हमने यहाँ पर। अभी फेस में कलर भरते, जो फोरहेड है, जो कपाल है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट से डार्क जाना है। तो ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे थोड़ा डार्क हो गया ज्यादा, इस बाद में इसको लाइट कर देंगे। आंखें के ऊपर जो भाग है वहां पर दो शेड रहता है, आंखें के जस्ट ऊपर थोड़ा सा डार्क रहता है, उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट रहता है, और आंखें के ऊपर जो एक लाइनिंग रहता है जो हाफ सर्कल, उसको जो डार्क शेड बनाए वो शेड से देना है, वहां पर ब्लैक यूज नहीं करना है। सिर्फ आंखें का जो लाइनिंग है वही ब्लैक यूज करना है। जो फोरहेड में थोड़ा डार्क होगा था, इसको थोड़ा फेंट करना है, लाइट करना है। आंखें के अंदर कोई भी एक डार्क कलर लेना है, उससे आउटलाइन करना है, और अंदर एक ब्लैक या एकदम जो सबसे डार्क शेड था वो यूज करना है, और यहाँ पर दो छोटे छोटे वाइट यानी लाइट कलर का डॉट देना है। और इतना ध्यान रखेंगे जो आईज आई बॉल है पूरा ब्लैक नहीं करेंगे, पूरा डार्क नहीं करेंगे, दो शेड में दिखना चाहिए, वो बीच में डार्क ब्लैक, फिर उसके बीच में थोड़ा सा लाइट कलर, और जो आउटलाइन है जो बॉल के वो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, एकदम ज़्यादा नहीं, तो वो जो चमक है वो चमक आएगा आंखों में। यदि हम पूरा ब्लैक भर देंगे तो वो चमक नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे आईज भी बनाना है यहाँ पर।
या फिर थोड़ा डार्क लाइट शेड देंगे आंखी के अंदर, जो भाग या ऊपर जो लाइट कलर था हमारे पास वो भर दिए। और आंखी के ऊपर एक ब्लैक कलर का टच देंगे ताकि जो ज्यादा डार्क दिखे। जहाँ पे भी जैसे हम यहाँ पर फेस में कलर भरे तो इतना ध्यान रखना कि जो कलर है थोड़ा तो ब्लेंड हो, कहीं ज़्यादा स्ट्रोक ना दिखे ऊपर कलर का रंगोली का, तो इतना ध्यान रखेंगे। और ये लेक कलर है, जल्दी से मिक्स हो जाता है, ब्लेंड बहुत ज़बरदस्त होता है इसमें, इसलिए जो बड़े बड़े आर्टिस्ट रहते हैं ये लेक कलर यूज़ करते हैं पोर्ट्रेट व रंगोली के लिए। और मुझे बहुत ही इच्छा था कि एक मोनो कलर का रंगोली बनाएंगे। तो ये जो फॉर्म है सिंगल कलर का शेड से बनाते हैं ये काफी अट्रैक्टिव दिखता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके रहता है और जैसे जो नॉर्मल कलर रहता है उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो ये दिखने में ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ज्यादा आर्टिस्टिक लगता है। जहाँ पे हाईलाइट करना आप वहाँ पर लाइट कलर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे डार्क करना वहाँ पर डार्क कलर यूज कर सकते हैं। जैसे गले के भाग नीचे से लाइट से ऊपर थोड़ा डार्क करना है, एकदम ज्यादा नहीं, एकदम ज्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि ऊपर जो उनका दाढ़ी है यदि हम ज्यादा डार्क कर देंगे तो दाढ़ी और वो गला मिक्स हो जाएगा, दाढ़ी क्लियर दिखना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा कम डार्क वहाँ पर यूज किया। यहाँ पर कान में एक कुंदन बनाया ना छोटा सा, और फेटा के जो लाइनिंग था वो तो फीका लग रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सा डार्क कलर सा और एक बार आउटलाइन किए तो वो थोड़ा सा डार्क हुआ, वो थोड़ा सा उभर ज्यादा हुआ। इनका जो पोशाक है, पोशाक में यहाँ पर इनका जो कॉलर के भाग है इनको थोड़ा लाइट दिखाएंगे और एक डार्क कलर से इनका आउटलाइन भी करेंगे ताकि प्रॉपरली वो समझ में आए हो। और इनके कंधे पे एक शॉल है तो शॉल को भी एक शेड से दिखाना है, वो यही कलर यूज करना है, सिर्फ डार्क लाइट करके वो शेड यूज करना है। अगर जो कोई भी डार्क कलर लेंगे यहां से और फिर उसके बीच में उससे थोड़ा सा लाइट कलर लेंगे और बीच में भरते जाएंगे, और इनको थोड़ा सा हल्का ब्लेंड भी करना है। अब प्लेट में जो जो साइड का कलर है वही कलर उठा के भी भरेंगे तब भी वो ब्लेंड होते जाएगा, क्योंकि शेड काफी सारा बना हुआ था प्लेट में हमारा, और ये शेड बनाना बहुत आसान है। आप मुझे लगता है आप लोग सीख चुके होंगे, पहली शुरुआत में बताया कि शेड कैसा बनाए। यदि आपके पास लेक कलर नहीं भी है तो जो नॉर्मल कलर है उसको छान लीजिए, उससे भी ट्राई कीजिए, भले इतना फिनिशिंग नहीं आएगा पर कुछ तो भी अच्छा आएगा, क्योंकि हर जगह में ये लेक कलर अवेलेबल नहीं रहता है। यदि आपको लगता है लेक कलर होना मुझे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एड्रेस है, वो एड्रेस और फ़ोन नंबर भी है दुकानदार के, वो फ़ोन नंबर में फ़ोन करके आप बुला सकते हैं, मंगा सकते हैं। जैसे माला के भाग बना तो पहले हमने यहाँ पर डार्क कलर यूज़ किए बैकग्राउंड, और उसके ऊपर यहाँ पर एकदम ज़्यादा व्हाइट कलर यूज़ नहीं करना, क्योंकि थोड़ा मैच होना चाहिए था ये शेड शेड के साथ, इसलिए हमने जो एकदम लास्ट शेड बनाया था वो कलर यूज़ किया, थोड़ा जितना लाइट भाग था। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक करना ना भूलिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन आता है उसको दबा लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर नए क्रिएटिव रंगोली का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तब भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शिवाजी जयंती का आप सभी लोगों को हार्दिक शुभेच्छा।